फंक्शन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग का स्कूल सिस्टम में क्या फंक्शन है उनसे हम क्या सीख सकते हैं सबसे पहले तो गाइडेंस का जो फंक्शन है वो एजुकेटिव है इसका ये मतलब है कि हम स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड कैसे कर सकते हैं हाउ कैन वी अप्रोप्रिएटली गाइड स्टूडेंट्स सो दे चूज देअर टॉपिक एरियाज दे चूज़ देयर पोटेंशियल करियर सब्जेक्ट्स और इसके अलावा वो वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं सो so, इस इस लिहाज से गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स टू बी यूज इन द स्कूल सिस्टम स्टूडेंट्स को सही गाइड करना स्टूडेंट्स की को चॉइस ऑफ टॉपिक्स और चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एरियाज जो हैं उनमें मदद करना ये बहुत ज़रूरी अमल है हमारे स्कूल्स में आम तौर पर ऐसा होता नहीं है हम स्टूडेंट्स की स्किल्स को डेवलप होता नहीं देख रहे होते क्योंकि हम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स के ग्रेड्स लाने में उनको उनके टेस्ट स्कोर्स में मदद करने में हम ये देख ही नहीं रहे होते कि स्टूडेंट का असल पोटेंशियल है किस तरफ अ स्टूडेंट हु इज़ गुड इन आर्ट मे नॉट बी गुड इन मैथमेटिक्स अ स्टूडेंट हु इज़ अ प्रोलिफिक राइटर मे नॉट बी गुड इन साइंस तो हम अगर ये चीज़ें पहले से डिटर्मिन कर लें और उसको एक एजुकेशनल टच दे दें तो हम स्टूडेंट्स की करियर डेवलपमेंट में बहुत मदद कर सकते हैं इसलिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बहुत छोटे लेवल से स्कूल में इनको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक रिफ्लेक्टिव फंक्शन है अब रिफ्लेक्टिव फंक्शन से हमारी क्या मुराद है रिफ्लेक्टिव फंक्शन से हमारी ये मुराद है कि हम स्टूडेंट्स को सोचने में उनकी मदद करें उनको सही टारगेट्स पे लेकर आएँ और वो अपने हर अमल या वो तदरीसी अमल है या वो बेहवोरियल अमल है उसमें उनको हम सोचने पर मजबूर करें कि वो हर काम करते हुए सोचें उसको एनालाइज करें उसके डूज एंड डोंट्स देखें हर काम इसलिए ना करें क्योंकि ये करना है क्यों करना है सो द क्वेश्चनिंग माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम जब अपना तदरीसी अमल शुरू करते हैं तो उसमें हमें स्टूडेंट्स को ये बताना ज़रूरी है कि सिर्फ किताब को जो है वो इसलिए ना पढ़ें कि आपने इम्तहान देकर उसको पास करना है आप उससे क्या सीख रहे हैं और इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आप एग्री नहीं करते या करते हैं और क्यों करते हैं यह सब रिफ्लैक्शन के अंडर आता है सो इफ़ वी आर एबल टू मेक स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिव वी एक्चुअली हेल्प देम टू चूज़ देयर करियर पाथ्स वी एक्चुअली हेल्प देम टू मर्ज वेल इन द सोसाइटी जो कि एजुकेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है द ओवरऑल एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक एन इंडिविजुअल मर्ज वेल इन सोसाइटी सो दैट ही और शी कैन बिकम अ फंक्शनल ह्यूमन बींग तो रिफ्लेक्शन के जरिए हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक वेलफेयर फंक्शन है जिसका मकसद ये है कि हम जो हैं वो स्टूडेंट्स को ऐस किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो अपनी एग्जिस्टेंस से किसी को तकलीफ़ ना दें या उनकी शख्सियत से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचे या वो सही तरीके के साथ सोसाइटी में को एग्जिस्ट कर सकें दूसरे लोगों के साथ सो so, एक वेलफेयर फंक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के फंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें हम आमतौर पर तीन चीज़ें जो हैं इन पर डिस्कशन करते हैं जिसमें एजुकेटिव रिफ्लेक्टिव और वेलफेयर सिस्टम आ जाता है इसमें हम स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि नॉन वायलेंट तरीके के साथ कैसे रह सकते हैं ऑनेस्टी और ट्रूथ जो है दे आर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इसके अलावा लव एंड पीस आर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जिस जिसकी हमारी सोसाइटी को अशद ज़रूरत है इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो सोशल और इमोशनल लर्निंग की डेवलपमेंट में बहुत मदद देते हैं जैसे मैंने पहले कहा कि हम जो हैं वो एकेडमिक फोकस जो है वो तो करते हैं उसके साथ साथ सोशल एंड इमोशनल फोकस बहुत ज़रूरी है सोशल एंड इमोशनल फोकस का मतलब है कि एकेडमिक कंटेंट और सोशल एंड इमोशनल कंटेंट दे नीड टू बी मर्ज टुगेदर दे नीड टू बी प्रेजेंटेड एज एन इंटेग्रेटेड करिकुलम सो दैट गाइडेंस एंड काउंसलिंग दे आर एम्बेडेड इन द करिकुलम ये बहुत ज़रूरी है इसके अलावा वट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अलावा हम जो है टीचर सपोर्ट किस तरह ला सकते हैं इसके थ्रू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है उसका एक ये भी फंक्शन है दैट इट इट इंकरजे टीचर सपोर्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिक्वायर्स होल स्कूल कमिटमेंट एक टीचर का सपोर्ट देना या स्टूडेंट का जो है सीखना और उसका तजस् जो है वो सिर्फ मसले को हल नहीं करेगा इट रिक्वायर्स द इंटायर टीचर सपोर्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जब हम फंक्शंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर आती हैं कोई एक शख्स अगर तवज्जो दे रहा है तो उससे मसला जो है वो हल नहीं होगा उससे मसला जो है वो ठहर तो सकता है हल नहीं हो सकता बिकॉज होल स्कूल कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड द प्रिंसिपल द टीचर्स द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ द स्टूडेंट्स द पेरेंट्स द कम्युनिटी ऑल ऑफ तैम नीड टू गेट टूगैदर टू हैव अ प्रॉपर स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इन द स्कूल और जैसे मैंने कहा इसकी इंटरग्रेशन विद इन द करिकुलम बहुत इम्पॉर्टेंट है कहाँ कहाँ पर यह प्रोसीजर्स जो हैं वो आएंगे किन मौके मौक़ों पर आएंगे और किस तरह आएंगे ये तमाम चीजें जो हैं इनको सोचना जरूरी है सो दैट वी हेल्प इन द प्रॉपर पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स गाइडेंस हम गाइडेंस किसको कहते हैं हमने पहले यह देखा कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग को इकट्ठे इनका नाम लिया जाता है और जगहों पर इनको सिनोनिमस समझा जाता है बट दे आर नॉट सिनोनिमस गाइडेंस इज़ डिफरेंट काउंसलिंग इज डिफरेंट गाइडेंस जो है बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्सटेंट एडवाइजमेंट हम जब गाइडेंस की बात करते हैं तो हम स्टूडेंट को एक कॉन्सटेंट गाइडेंस देते हैं हम जब गाइडेंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम स्टूडेंट को एक एडवाइजमेंट प्रोसीजर से गुजार रहे हैं ताकि वो नंबर वन अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स कर सके। अगर कोई बिहेवरियल इशू है तो वो उसको स्टेप वाइज और इंतहाई प्लान तरीके के साथ उसको ठीक कर सके सो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ एडवाइजमेंट दैट हैपन्स फ्राम द डे अ चाइल्ड एंटर स्कूल एंड इट फिनिशेज ऑन द डे अ चाइल्ड डिपार्ट्स फ्राम स्कूल सो दिस इज़ समथिंग दैट गोज़ अलोंग विध अ स्टूडेंट्स लाइफ इन स्कूल अब इसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट को समझाना बहुत ज़रूरी है कि एकेडमिक टारगेट्स के साथ साथ उसकी एडवाइजमेंट जो है गाइडेंस के हवाले से भी की जाएगी इसमें जो ज़रूरी अमल है वो ये है के स्टूडेंट्स जो हैं हम उनकी मदद करते हैं सो दैट दे एक्सेप्ट दमसेल्व्स एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड एज इफ़ेक्टिव मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी हम उनको ये एडवाइजमेंट क्यों दे रहे हैं हम उनको ये एडवाइजमेंट इसलिए दे रहे हैं कि वो इस सोसाइटी के इस माशरे के इफेक्टिव मेम्बर्स बन सकें सो दैट दे कैन लीड देयर लाइव इन अ मच एमिएबल मैनर इन सोसाइटी इस वजह से हम उनको गाइड करते हैं और उनको बताते हैं कि बिहेवोरियली यू नीड टू इम्प्रूव हेयर एंड एक्डेमिकली स्पीकिंग यू नीड टू इम्प्रूव एट दिस पॉइंट और उसमें जो अमल बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम उनकी मदद करें कि वो एक रियलिस्टिक गोल के तहत चलें सो एज़ टीचर्स एज काउंसलर्स एज गाइड्स वी नीड टू सेट रियलिस्टिक टारगेट्स फॉर स्टूडेंट्स अब जब रियलिस्टिक टारगेट्स की बात आती है तो इसमें पेरेंट्स का अमल दखल भी होता है आमतौर पर पेरेंट्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं अपने बच्चों के लिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर्स बने डॉक्टर्स बने ब्यूरोक्रेट्स बने साइंटिस्ट्स बने लेकिन हो सकता है कि बच्चे जो हैं उनका रुझान कहीं और हो और आप जब अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर देते हैं तो फिर बच्चे जो हैं वो दिल से काम नहीं करते द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज दैट अ चाइल्ड अर स्टूडेंट इन्जॉयज द प्रोसेस ऑफ स्कूलिंग बट वेन यू सेट अनरियलिस्टिक टारगेट्स फॉर दैम तब ये इन्जॉयमेंट जो है वो खत्म हो जाती है सो वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड फॉर पेरेंट्स एंड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इज टू सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन इसमें एक ज़रूरी अमल ये है कि हम जब गोल सेटिंग की बात करते हैं तो हम बहुत हाई गोल्स ना सेट करें बहुत लो गोल्स ना सेट करें हम वो गोल सेट करें विच आर जस्ट अबाउट राइट हमें बच्चों की हमें स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स का पता होता है हमें यह पता होता है कि ये स्टूडेंट इस हद तक जा सकता है तो हम जो हैं वो ऐसे गोल सेट करते हैं जो कि इंतहाई रियलिस्टिक हैं जो स्टूडेंट आराम के साथ उसको अचीव कर सकता है इसके अलावा वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम उनको असिस्ट करें स्टूडेंट्स को कि वो ऐसे प्लानिंग करें और हम उनकी मदद करें उस प्लानिंग में कि वो अपने गोल्स तक पहुंच सके दैट प्लानिंग पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्निंग पार्ट इज़ यूजअली मिसिंग इन स्कूल सिस्टम दिस प्लानिंग पार्ट इज़ यूजअली मिसिंग इन आर टीचिंग प्रोसीजर्स दिस इज मिसिंग इन द वे वी होल्ड आर डे टू डे स्कूल प्रोसीजिंगस सो वॉट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम स्टूडेंट्स को ये बताएं कि गाइडेंस का कॉन्सेप्ट यह है हम गाइडेंस को करिकुलम का हिस्सा बना दें हम जब करिकुलम का हिस्सा बनाने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं जब अपने तदरीसी अमल शुरू करें उसके साथ साथ उनका गाइडेंस का भी प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाए ताकि शुरू से ही पता चल जाए कि स्टूडेंट के, के रुझाना क्या हैं उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं उसके वीक एरियाज़ कहाँ हैं और कौन से रियलिस्टिक टारगेट्स हैं जिनको मीट वो करेगा या करेगी तो वो इस स्टेप तक पहुँच जाएगी इसमें पेरेंट्स कौन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है इसमें स्टूडेंट्स को रियलिज़म के साथ और उनको रियलिस्टिक बनाना बहुत ज़रूरी है आमतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं दे डू नॉट रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल थ्रू गाइडेंस प्रोसीजर्स वी मेक दो स्टूडेंट्स रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल देयर ट्रू कैपेबिलिटीज एंड फ्रॉम दैट पॉइंट दे मूव ऑन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो गाइडेंस हेल्प्स इन दैट रिगार्ड काउंसलिंग गाइडेंस के बाद काउंसलिंग के बारे में आगाही जानना जरूरी है हमने देखा कि गाइडेंस जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ एडवाइजमेंट है हम अब देखते हैं कि काउंसलिंग से हमारी क्या मुराद है और फिर गाइडेंस और काउंसलिंग में बुनियादी फ़र्क क्या है हम जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग जो है वो आमतौर पर एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है हम जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये सीरियस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है काउंसलिंग जो है आमतौर पर इसको ब्रूएकार कार लाया जाता है वेन अ स्टूडेंट इज़ अंडर गोइंग अ सवियर प्रॉब्लम नाउ दैट प्रॉब्लम मे बी एकेडेमिक इन नेचर दैट प्रॉब्लम मे बी बिहेवोरियल इन नेचर सो काउंसलिंग इज अ वेरी यू नो सीरियस अटेंशन दैट इज गिवन टू स्टूडेंट हु इज़ फेसिंग एक्यूट प्रॉब्लम्स बोथ एकेडेमिकली एंड बोथ बिहेवोरियली सो काउंसलिंग जो है ये गाइडेंस के अंडर ही आती है मगर इट एड्रेसेस सीरियस इश्यूज। इसके अलावा जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग जो है वो तब ऑफर की जाती है जब स्टूडेंट जो है उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है आम तौर पर हम ये कहते हैं द टीचर्स आर ऑल्सो काउंसलर्स ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टीचर्स जो हैं वो काउंसलर्स होते हैं और वो स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं और उनको काउंसिल भी करते हैं मगर इसके साथ साथ बास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सवियर एकेडमिक एंड बिहेवियरल इश्यूज होते हैं और आम तौर पर टीचर्स जो हैं वो उनको हल नहीं कर पाते वहां पर सवियर केसेस को डील करने के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर्ड होती है आम तौर पर साइकोलॉजिस्ट्स की मदद ली जाती है साइकेट्रिस्ट की मदद ली जाती है जो इन इशूज पर काम कर सकते हैं सो काउंसलिंग इज अ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी इन दैट रिगार्ड इसके अलावा हम जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट को बाजुकात ये पता नहीं होता कि उसने क्या किया है तो वो आमतौर पर आपसे ये क्वेश्चन करता है वट डू आई डू नाव तो उसको इस बात का समझ नहीं आ रही होती कि ही और शी इज़ अंडर गोइंग अ सवियर एकेडमिक क्राइसिस और बिहेवोरियल क्राइसिस उसकी मदद के लिए हमें स्पेशलाइज्ड हेल्प रिक्वायर्ड होती है और वो स्पेशलाइज्ड हेल्प हमें आमतौर पर या तो हमारे स्कूल के अंदर ही काउंसलर्स मौजूद होते हैं आ, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अब काउंसलर्स को स्कूल्स में जगह दी हुई है वो आते हैं दे आर प्रॉपर इम्प्लॉज ऑफ द स्कूल या फिर आप आउटसाइड हेल्प ले लेते हैं तो काउंसलर काउंसलिंग जो है वो इस तरह से एक बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर बन जाता है इसके अलावा जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो लिसनिंग टू द स्टूडेंट है हम स्टूडेंट को सुनते हैं उसके मसले को सुनते हैं जानते हैं और उसको एक हेयरिंग देते हैं इससे ये मुराद है कि हम सोशली एंड इमोशनली वी गेट इन्वॉल्व विद द स्टूडेंट वी इन्श्योर द स्टूडेंट दैट वी सीरियसली वॉन्ट द प्रॉब्लम टू बी वेनिश्ड इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं सो so, स्टूडेंट को सुनना और उसको सही तरीके से सुनना और प्रॉपर फीलिंग्स और इमोशंस के साथ उसका साथ देना जो है वो काउंसलिंग कहलाता है काउंसलिंग में एक ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका ये जुज है इसके अलावा वट इज इम्पॉर्टेंट इन काउंसलिंग इज के काउंसलिंग की जो पर्सनल ग्रोथ है उसको हम मॉनिटर करते हैं हम जब पर्सनल ग्रोथ का की बात करते हैं तो हम डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ नॉलेज की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट है हम ये चाहते हैं कि वो अपने आप को बेहतर करे और इस चीज़ को रियलाइज करे दैट देयर वॉज अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्टेड एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम विद काउंसलिंग दैट प्रॉब्लम हैज वैनिश्ड ये बहुत ज़रूरी है आमतौर पर जैसे मैंने पहले कहा स्टूडेंट्स रियलाइज नहीं करते दैट देयर अंडर गोइंग सवियर प्रॉब्लम्स एंड एस एड अर्लियर द प्रॉब्लम्स कैन बी एकेडमिक इन नेचर द प्रॉब्लम्स कैन बी बेहेवोरियल इन नेचर